आप देखिए कि जब आप पूरा 2020 में आपका रिदम बना होता है ना फुल बॉल करने का, तो आपका जोर लगता है. व्हेन यू ट्राइंग टू बॉल अ लेंथ बॉल, वो उसके लिए आपके अभी बाय मैकेनिकली आपके रिदम वो बना नहीं होता. तो आप जब लाइन लेंथ पे जाके मारने की कोशिश करते हो ना, तो आप अपनी पेस को कम करते हो ताकि आप कंट्रोल आ जाए. उस कंट्रोल को कम कर, पेस को, वो लाइन लेंथ को मेंटेन करने के लिए शहीन थोड़ा सा अपने रिदम को वापस पेस कम करनी पड़ती है, क्योंकि उसका जोर लगता है आगे को, मुंह वाले बॉल को, जिसको हम कहते हैं स्विंगिंग यॉर्कर. जब एंड में भी वो यॉर्करी मारता है और फिर स्लो वन करता है, ये उसकी स्ट्रेंथ है. अब वो क्या कर रहा है कि लेंथ बॉलिंग के ऊपर उसको पता चल गया कि 50 ओवर मिनी टेस्ट क्रिकेट है, इस पे मैंने मेडन्स करने हैं, डॉट बॉल करने हैं. तो इसके लिए वो लाइन एंड लेंथ को कंट्रोल करने के लिए अपनी पेस को कम कर रहा है. आई एम श्योर अगर आप इसके स्टैट्स निकाल के देखेंगे 10 ओवर, तो आप देखिएगा 9 ओवर जो भी उसने किए हैं उसमें जब भी उसने यॉर्कर और फुल बॉल करने की कोशिश की है उसका 139-140 के करीब गया है. जब उसने लेंथ बॉल किया तो 135-133-135 के करीब गया है. रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज इन 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 पिचों के ऊपर वो अपनी लाइन एंड लेंथ को कंट्रोल करने के चक्कर में हारस भी और ये भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी पेस कम लग रही है. वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन लाला, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगी. ये बाकी ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आप ये देख भी पा रहे हैं जब वो बार बार आपको स्पीड गन से जो है स्पीड्स बता रहे होते हैं बॉलिंग की. शाहीन वाकई हम जो बात कर रहे हैं ना डिसिप्लिन और लाइन और लेंथ को मेंटेन रखने की, उस मेंटेन करने की कोशिश में मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पेस वो फिर इस वजह से वो कॉशियस हो रहे हैं, वो कॉशियस बॉलिंग जब करने पे आ रहे हैं तो इस वजह से शायद पेस उनकी गिर रही है. लाला योर कमेंट ऑन दैट. सवेरा मुशी भाई ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ बता दिया. बात मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका अच्छा एरिया है, चाहे वहाँ पे 160 की पेस हो या वहाँ पे 120-30 की पेस हो, असल चीज़ है एरिया ढूंढना कि जहाँ पे 6 में से एटलीस्ट 4-5 बॉले तो आप गिरा सको ना, या उसके आसपास तो कर सको ना कि जहां पे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा हो या बैट्समैन को एफर्ट करनी पड़ रही हो. बॉलर को तो सिर्फ उस एरिया में बॉल करना है. आप जितनी भी खिंची हुई बॉले की हैं, चाहे वो हारिस रऊफ, हसन अली या शाहीन ने बॉलिंग की, जो खिंचा हुआ लेंथ बॉल की है उस पर कुछ भी नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा उस पर थर्ड मैन पे सिंगल हुआ है या सामने मिड विकेट की तरफ एक सिंगल हो जाए या मिड ऑन की तरफ. तो कहने का मतलब यह है कि जितना खिंचा हुआ आप जितनी जल्दी इन पिचेस के ऊपर लाइन को ढूंढोगे उतना फायदेमंद होगा, उतनी कम मार पीटेगी पड़ेगी आपको और उतनी विकेट लेने में आप कामयाब होंगे. बात एरिया की है, बात पेस बहुत हो आपके पास, एरिया ना हो फायदा. आप ये जो शायद की बात को मैं बिल्कुल सेकंड करता हूं, उसकी वजह पता है क्या है? सिंपल थ्योरी है. अगर मैं कोच हूं या यूसुफ कोच है, शायद कोच है या मिकी आर्थर होगा या जो भी बैठे हुए हैं, मोकल बैठे हुए हैं वहां पे, आपने एक बड़ी जबरदस्त सी बात करनी है कि मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर से आपको स्कोर पड़ता है तो खा लो भाई. क्योंकि ये सीधा, ये पिचों के ऊपर आपने सीधा स्कोर खाना है. अगर आप सीधा कंसिस्टेंटली स्कोर खाते हो, हसन अली की 4 विकेटें लेने का मतलब क्या है? मैं हर मैच में इन पिचों के ऊपर अपने बॉलर से खुश हूं अगर वो 10 ओवर में 70 रन देके 4 विकेटें लेते हैं. व्हाट इज दैट मीन? बाकी बॉलर भी अगर ऐसे करेंगे तो 4 अगर वो लिए, 2 वो लेंगे, 1 और लेगा, तो आप 250-270 के दरमियान टीम को डिफेंड कर लेंगे. ये मैथमेटिकली बात बता रहा हूं. इसके लिए आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट रन नहीं खाने पड़ेंगे, उनको बनाने दो, उनको चांस लेने दो. जो बंदा सिंपलीफाई करेगा, सिंपल चीजें करेगा इन पिचों के ऊपर, विकेट टू विकेट टॉप ऑफ बॉल करेगा, विकेट टू विकेट बॉल करेगा, स्पिनर्स हो या फास्ट बॉलर हो, लेट द बैट्समैन स्कोर यू ओवर मिड ऑफ एंड मिड ऑन. इफ यू डू दैट यू विल सी एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर द गेम यू विल हैव अ बेटर स्टैट देन दैट. और अच्छा जो ये डेफिनेटली जी लाला, ड्यू रिस्पेक्ट मुशी भाई, शाहिद भाई, सबके रिस्पेक्ट है, सारे हमारे सीनियर है, दोनों सीनियर है मेरे. सारी टीमों की बॉलिंग अच्छी है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की. अगर उन्होंने भी फ्लैट विकेटों पे, ऐसी विकेटों पे अगर 350 ना खाया, मुझे पकड़ लीजिएगा. नहीं, बट अप्लाई करने की बात हो रही ना, बात ये नहीं हो रही कितने रन्स खाए नहीं खाए, अप्लाई करने की बात हो रही है. अप्लाई कैसे कर रहे हैं आप, कितनी विकेटें ले रहे हैं? बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि आप अपनी लाइन वो तो करनी ही करनी, इसमें तो कुछ हम वर्ल्ड क्लास बोलिंग है, हम ऑस्ट्रेलिया बोलिंग नहीं है, नहीं बात कर सकते, हम करेंगे. आप डिबेट कम ऑन नाउ.
बैट्समैन वर्सेस बॉलर की गेम है जी लाला। आप देखे ठहर जी, पहले मैं शुरू करता हूँ फिर शायद बैट में। अब बैट में आप अगर मैं हार जाऊं, यूसुफ ने मुझे हरा दिया, बात जबरदस्त हो रही है, आउटस्टैंडिंग जबरदस्त। आप मुझे ये बताएं, आप ये यूसुफ ने बिल्कुल बात सही कि 350 होगा। हसन अली ने 10 ओवरों में 70 रन देके 4 विकेट ली, बिल्कुल। शाहीन राउंड द विकेट आके 4 कटों पे चौके खा रहा है, दैट एंगल। एक सेकंड, हसन अली ने भी मार खाई है, 70 रन दिए, ठीक। उसने 4 विकेटें साथ ली हैं, उसको आपने 4 विकेटें इसलिए उसने ली कि उसने मार खाने के बावजूद अपना एरिया नहीं छोड़ा, इसलिए उसने 4 विकेटें गिरा दी। विकेटें आपके स्कोरों को कम करती हैं, आपकी अच्छी बॉलिंग, आपकी जितनी मर्जी, आप जितने मर्जी अच्छे बॉलिंग हो, जब आप स्क्वायर द विकेट कट्टे भी खाएंगे, मुंह में चौके भी खाएंगे और खिंची हुई लाइन पे बॉल नहीं करेंगे, तो यूसुफ पॉइंट ऑफ व्यू ये है एज ए बैट्समैन, आप बताएं कि अगर आपको चांस लेना पड़ेगा तो मुझे बताएं कि चांसेस क्या 50-50 नहीं होगा, आप ये बताएं। पहले ही कह दिए कि ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं उसको डिसएग्री कर ही नहीं रहा। अगर आप हमारी बात में डिसएग्री नहीं कर रहे तो हम भी आपकी बात में डिसएग्री नहीं करते, आप ही ठीक कह रहे हैं। मतलब ये नहीं कि अगर यूसुफ की अलग सोच है तो वो गलत है, ऐसा नहीं होता, हर एक इंसान की अपनी सोच होती है। अच्छा, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, मुझे कभी कभार ऐसी कंडीशन मिल जाती थी कि जिसपे विकेट लेना मुश्किल होता था कि यार ये तो बड़ा ही फ्लैट ट्रैक है, क्या करूं, मैं फौरन चेंज करता था अपने आप को और मैं कहता था यार शायद बस विकेट टू विकेट बॉल करनी है, रूम नहीं देना, चौका नहीं खाना, कोशिश करनी है कि दो बॉलें डॉट कर सकूं, सिर्फ 3 या 4 रन दूं ओवर में, बस मैं प्रेशर डालता था वहां से। मैं सईद अजमल या मोहम्मद हफीज को कहता था कि हफीज बाउंड्री नहीं खानी, इन पे प्रेशर डालो, एवरेज बढ़ने दो, ये खुद चांस लेंगे, खुद आउट होंगे। तो जब पिच से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा होता था तो हम क्योंकि पिच की रीडिंग कर लेते थे और हमें पता था कि हमारा प्लान ये होना चाहिए सिंपल कि हमने बाउंड्री नहीं खानी, हमने एवरेज को बढ़ने देना है और ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल, क्योंकि डॉट बॉल्स भी वनडे क्रिकेट के अंदर प्रेशर डालती है। अब ये वो वनडे क्रिकेट नहीं है, इसमें आपको चांस लेना पड़ता है, तो मेरा तो ये माइंडसेट होता था और जिसकी वजह से बैट्समैन चांस लेने जाता था क्योंकि डॉट बॉल्स मैंने इतनी ज्यादा की भी होती थी, बैट्समैन के ऊपर प्रेशर आता था, वो चांस लेता था, या मेरे एंड से या सईद अजमल या हफीज के एंड से वो चांस लेता था। सो इट्स कॉल्ड अ बॉलिंग पार्टनरशिप। बिल्कुल बिल्कुल, स्टिक टू द बेसिक्स इज द मेन आइडिया। जल्दी से बोल दे, ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक के बाद क्योंकि स्टिक टू द नहीं आप थोड़ा सा बोल सकते, थोड़ा सा टाइम है, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बोले, टाइम नहीं है, ब्रेक, अरे फास्ट फुल फ्लेज बोलो, आराम से बात करेंगे, स्टिक टू द बेसिक्स इज द मेन आइडिया। और जो एक बात आप मुसलसल कर रहे हैं मुशी भाई, रिपीटेटिव 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 एक्शन, अगर एक बॉलर सिर्फ अपनी बेसिक्स पे रहते हुए 6 की 6 बॉल उस बेसिक्स के हिसाब से फॉलो करता है, डेफिनेटली वो प्रेशर डालेगा ऑपोजिशन पर। यही बात बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि ये पिच्चे इतनी फ्लैट, इस पे कुछ नहीं मिलना आपको। यू हैव टू रिपीट योर लाइन लाइन एंड लेंथ कंसिस्टेंटली, लेट द बिग बैट्समैन टू टेक चांस ऑन यू, मिड ऑन मेरा पीछे हो और मुझे 5 फिर यूसुफ की बात पे डिसएग्री एग्जैक्टली, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सही कह रहा है कि आप 300-350 रन होंगे, मगर आपके पास फिर चॉइस क्या है कि बचने की, आपके पास सिंपल करें जैसे शायद बार बार कह रहा है कि विकेट टू विकेट खिंची हुई लाइन के ऊपर हसन अली ने ये बॉलिंग की, 4 विकेटें ले गया वो, बिल्कुल अगर ये करेगा पूरे टूर्नामेंट ऐसी बॉलिंग तो बेस्ट बॉलर होके बने, बिल्कुल। तो कंडीशंस तो ऐसे ही हैं, उन कंडीशंस में हम कहां कहां क्या क्या अपने प्लान ए प्लान बी प्लान सी बना सकते हैं और मेनूवर कर सकते हैं इन कंडीशंस को, वो सोचना है। बट यहाँ एक बहुत मजे की जो है वो डिस्कशन चल रही है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके गिफ्ट्स और वो स्पार्क्स और ये सारी चीजें होंगी, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।